बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पावर सेट को डिस्कस करेंगे। पावर सेट किस तरह फाइंड किया जाता है, तो पावर सेट फाइंड करने के लिए आपके सामने मैंने तीन सेट लिखे हुए हैं। सेट ए 1 2, सेट बी में एक एलिमेंट है, सेट सी में तीन एलिमेंट है, जबकि सेट डी में आपके पास फोर एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो अगर किसी भी सेट का आपसे कहा जाए कि भाई पावर सेट निकालें, तो आप किस तरह पावर सेट फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट वाले सेट को डिस्कस करेंगे, उसका पावर सेट फाइंड करेंगे। हमने पावर सेट फाइंड करना है सेट बी का, जो सेट बी हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसका पावर सेट निकालना है। तो पावर सेट निकालने के लिए, चूंकि हमें सेट बी का पावर सेट निकालना है 1 का, तो इसलिए जब हम पावर सेट निकालेंगे सेट बी का, तो उसका जो तरीका कार होगा वो ये होगा। किसी भी सेट का जब आप पावर सेट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला होता है, उसको याद रखें, 2 रेस्ट टू द पावर n। यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, आपने उन एलिमेंट्स की तादाद को यहाँ पुट करना है एन की जगह पर। जैसे इस सेट में बी में आपके पास एक एलिमेंट है, तो यहाँ आप रखेंगे 1। तो आपके पास जब 1 है, तो जाहिर सी बात है 2 वापस आ जाएगा। तो ये जो 2 है, ये आपको बता रहा है कि जब आप इस सेट का, सेट बी का पावर सेट लेंगे, तो इसके दो सेट बनेंगे। जैसे पहला हमेशा जो है वो एम्प्टी सेट होगा, और दूसरे सेट में आपने जो एलिमेंट था एक, उसी को लिख लेना है। इस तरह से ये पावर सेट आ गया एक एलिमेंट वाले सेट का। अब दो एलिमेंट वाले को ले लेते हैं, दो एलिमेंट सेट है में, इसका पावर सेट ले लेते हैं। ये आपके पास है 1 2। इसका जब हम पावर सेट लेंगे, तो फार्मूले के मुताबिक, फार्मूला हमारे पास 2 पावर n, तो अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह 2 रखूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। इसका मतलब इसके 4 सेट बनेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहला सेट हमेशा खाली होगा, दूसरे में हम फर्स्ट लेटर लिखेंगे 1, तीसरे में हमने 2 लिखना होगा, चौथे सेट में आप लिखेंगे 1 एंड 2 दोनों। तो इस तरह से आपने सेट ए, जिसके दो एलिमेंट है, उसका पावर सेट फाइंड कर लिया। अब हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, तीन एलिमेंट वाले की। तो ये तीन एलिमेंट है सी सेट में, तो सेट सी इज इक्वल टू आपके पास है 1 2 3। इसका पावर सेट फाइंड करेंगे, पावर सेट ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, पावर सेट इसका 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो 2 2 एंड 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 सेट बनेंगे इसके। तो पहला सेट आपका क्या होगा, एम्प्टी होगा, पहला सेट एम्प्टी होगा। दूसरे सेट में आपने फर्स्ट लेटर रखना है 1, तीसरे सेट में 2, चौथे सेट में 3, ये सिंगल एलिमेंट्स वाले सेट आ गए। फिर आप उसके बाद पुट करेंगे दो दो एलिमेंट्स, तो 1 2, देन 1 3, देन 2 3। ये कितने सेट हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 सेट हो गए, और लास्ट सेट में आप पुट करेंगे तीनों एलिमेंट्स, 1 2 एंड 3। तो इस तरह से आपके पास तीन एलिमेंट वाले सेट के, तीन एलिमेंट वाले पावर सेट आपके पास कितने आ गए, सेट कितने बन गए, 8। अब हम फोर सेट वाले को ले लेते हैं, डी जैसे लिखा हुआ है, सेट डी आपके सामने, डी इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसका पावर सेट फाइंड करेंगे डी। तो आप देख सकते हैं 2 पावर 2n और 2 पावर 4, तो 2 को 4 टाइम्स कर लें। जब 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा, नहीं होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 आ गया। अब आप इसके सेट बनाएंगे, 16 सेट बनेंगे। तो पहला सेट अगेन एम्प्टी होगा, खाली होगा, दूसरे सेट में 1, तीसरे सेट में 2, देन 3, देन 4, देन 6 सेट में आपने डबल एलिमेंट को लेना, यानी 1 2 एंड 1 3 एंड 1 4, देन 2 3, देन 2 4, देन 3 4। ये सारे आपके पास डबल एलिमेंट्स वाले सेट आ गए। अब इसके बाद हमने तीन एलिमेंट वाले सेट का पावर बनाना है, सेट तीन एलिमेंट्स को लेना, 1 2 3, देन 1 2 4, देन 1 1 3 4, ये होगा 2 3 4, 2 3 4 और 1 2 3 4, और लास्ट वाला जो सेट होगा उसमें हमने चारों एलिमेंट को ले लेना है, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से आपको चार एलिमेंट वाले का जब पावर सेट फाइंड किया, तो कितने सेट बन गए, 16 सेट बन गए। तो इस तरह से हम जो है वो पावर सेट फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेट का। इसी तरह अगर आपके पास ऐसा कोई सेट हो गया जिसमें जो है वो 5 एलिमेंट हो, मिसाल के तौर पर एफ सेट है, ई सेट है, और उसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो इसका भी पावर सेट हो सकता है। इसके कितने सेट बनेंगे, वही फार्मूला चला दें, 2 को 5 टाइम्स करें, तो 32 सेट बनेंगे इसके। तो इस फॉर्मूले के बेस बनाकर आप फाइंड कर सकते हैं
पावर सेट। तो इस तरह ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।